देखिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सूरत के वराचा पुलिस थाने की है। शराबबंदी वाले इस गुजरात में शराबबंदी का मानो ढेर लगा हुआ है। सूरत में पुलिस ने शराब की हेराफेरी करने के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। शराब की बोतलों के साथ पकड़ी गई महिलाओं के पास से पुलिस ने 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 500 से अधिक शराब की बोतलें बरामद की है। यही नहीं, महिलाओं के शरीर में बंदी 144 बोतलें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। वराचा पोल्यूशन में प्रोहिबिशन का एक केस दाखिल हुआ है। इनमें एक रिक्शा में 3 महिलाएं जा रही थी, तो उनके पास से जो रिक्शा में जो थैला था उसमें करीबन 516 बोतल थी और उसके जो शरीर पे तीनों के कुल 144 बोतल पे उसने अपने पेट पे पट्टी से बांध रखी थी और उसकी कुल कीमत होती है करीबन 33,000 के साथ पकड़ी गई है और वराचा पुलिस में उसके बारे में गुना दाखिल हुआ है और तीनों को अरेस्ट भी किया हुआ है और आगे की तपास वराचा पुलिस चला रही है। शराब बंदी को लेकर गुजरात के कहे जाने वाले संवेदनशील मुख्यमंत्री बार बार अपनी सरकार का बचाव करते रहते हैं, पर शराब की तस्करी गुजरात में रुकती ही नहीं। वराचा पुलिस को इन्फॉर्मर से मिली सूचना के आधार पर शराब की तस्करी करने वाली 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है जो एक ऑटो में सवार होकर जा रही थी। इन महिलाओं के पास से कुल 516 बोतलें पकड़ी गई है जिसकी कीमत अंदाजन 25,000 आंकी गई है।